जो बांग्लादेश से खबरें आ रही हैं वो बड़ी विचलित करने वाली है। वहाँ पर तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार के इशारे पर वहाँ के अल्प बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय द्वारा जिस प्रकार से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय का सड़कों पर नरसंहार किया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार और गंदी हरकतें की जा रही हैं उसके सारे वीडियो ऑडियो हम सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। इन घटनाओं को लेकर भारत का बहुसंख्यक हिंदू समाज उद्वेलित है, आक्रोशित है और इस रैली के माध्यम से हम अपने आक्रोश को प्रकट करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और मानवाधिकार संगठनों से ये मांग करते हैं कि बर्बर बांग्लादेश के बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध, वहाँ की अंतरिम सरकार के विरुद्ध आवश्यक कड़े कदम उठाए और इस प्रकार वहाँ के जो अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार हो रहे हैं उन पर किसी भी प्रकार से तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए, ये हमारी मांग है और इसी के समर्थन में अधिवक्ता समुदाय आज अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और यूएनओ को क्यों नहीं दिखता? जो घटना, जो अत्याचार बांग्लादेश में हुए वो किसी और जगह पर भारत जैसी सनातन सभ्यता और संस्कृति पर न दोहराए जाए, इसके लिए सबसे ज़्यादा आज ज़रूरी है हिंदुओं का संगठित होना और जब संगठित होंगे तभी सशक्त होंगे। तो हमें दूसरे को देखकर एक सबक लेना चाहिए, एक लेसन लेना चाहिए जो इस समय हम बांग्लादेश को देखकर ले सकते हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हमारा पूरा समर्थन है और वहीं हम भारत के जितने भी देश हैं उन सबको जगाने का समय है कि एक रहिए, एकत्र रहिए, संगठित रहिए और सशक्त रहिए।